लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उधम सिंह नगर जिला और पुलिस प्रशासन ने जनपद के 9 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के पालन की अपील की है। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस की टीमों की ओर से लगातार सरकारी संपत्तियों पर लगी राजनीतिक दलों की फ्लैक्स को हटाने पर काम चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही चुनाव प्रचार करेंगे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हम लोगों ने सबसे पहले जिले के जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं उनके साथ हमने एक बैठक कर लिया और जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स नियम हैं उनको बता दिया। साथ ही साथ जो तैयारियां हैं हमारी ईवीएम ट्रेनिंग को लेकर के बाकी और तैयारियों को उनके साथ डिटेल हमने शेयर कर लिया। हमसे क्या अपेक्षा है उन लोगों की वो भी हम लोगों ने पूछ लिया और हम क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे आज से मॉडल कोड लागू हो जाते ही ये अपेक्षा किया है कि अपने जो भी होर्डिंग बैनर पब्लिक प्रॉपर्टी पर हैं लगे उनको आप लोग स्वतः हटा लें। हम लोग तो हटाएंगे।